हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी बज रहे सुबह के 9:30। मैं तैयार हूँ कहीं जाने के लिए। एक्चुअली मैं और मम्मी जी हम लोग कहीं जा रहे हैं। नवनिया अभी सोए हुए हैं तो वो उठेंगे तो मोनी है, माधुरी है और डीजन जी लोग वगैरह रहेंगे तो वो लोग देख लेंगे। हम लोग थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। एक्चुअली तीज आने वाली है और तीज में इस बार मैं यहाँ पे हूँ। पहले हमारा उस दिन का प्रोग्राम था कि हम लोग तीज के दिन यहाँ से दिल्ली जाएंगे, बट एनिमेश ने टिकट पोस्टपोन किया क्योंकि तीज फिर ऐसे फ्लाइट में होती। मम्मी जी ने बोला कि इस बार तीज पे हो तो मेरी तरफ से साड़ी ले लो, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी, आप खुद साथ चलिए तब हम लोग लेंगे, क्योंकि मैं उनसे पैसे ले लूँ फिर खरीद लूँ फिर उसमें वो बात नहीं है। मतलब ऑनलाइन मंगा सकती हूँ, मैं जाके खरीद सकती हूँ, बट उसमें फिर वो बात नहीं है। तो मैंने बोला आप खुद ही साथ चलिए। पहले तो मान नहीं रही थी, जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, हम लोग मैं अपनी यहाँ कहीं जाते हैं बट वो हमारे साथ नहीं जाती, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती है। हम लोग इतना बोलते हैं चलने के लिए बट वो नहीं तैयार होती है। पहले जब वो बैंक में काम करती थी तब वो डेली बाहर जाती थी, मतलब बैंक के काम से, और शाम में आती थी। तब उनका एक रूटीन सेट था, तब उनको घर पे मन नहीं लगता था, संडे के दिन उनको बहुत बोर फील होता था। अब वो नहीं निकलती हैं तो वो कहीं जाना ही नहीं चाहती, इतना बोलने के बाद वो नहीं निकलना चाहती है। तो पहले तो वो नाना नाना कर रही थी, फिर मैंने बहुत बोला तो वो फिर रेडी हुई हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपसे। देखिए मम्मी जी को, मम्मी जी जाकर पहले से बैठी हुई हैं यहाँ पे, आप देखिए ना। नहीं रहने दीजिए ना, ठीक है। रेड मेरे पास बहुत सारा हो गया, येलो भी है, इतना रेड हो गया, इतना सारा रेड हो गया। देखो पीला भी है मेरे पास, देखो देखो, यही सेम कलर है जो सरस्वती पूजा में पहना था। हाँ सेम है। ब्लू भी है बनारसी, लेकिन वो ओके भी है, ये भी ठीक ही लग रहा है। इसका क्या प्राइस है? कितनी भीड़ है आज मार्केट में। वहाँ देखिए कृष्ण जी राधा जी के कपड़े मिल रहे हैं, तो मनीष जी के हैं, पूछ रहे हैं। नव का तो है, निया का है नहीं, मैं लेके नहीं आई, मतलब है वहाँ, यहाँ नहीं लेके आई, तो इसीलिए। ये देखिए जन्माष्टमी के लिए सारा सामान मिल रहा है यहाँ, तो मैं खुद ही आ गई। मनीष जी फोटो भेज रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं खुद से आ गई यहाँ। और ये देखिए सब कुछ है, छः सौ का। मम्मी जी वहाँ है गाड़ी में। मम्मी जी का डे अच्छा लग रहा है। बहुत सारी शॉपिंग हो गई है ना, गोल्ड शॉपिंग हो गई, कपड़े की शॉपिंग हो गई, पूजा साल भर का है, मानव का 5 साल का बोल के लिए। अब हम लोग घुसे हैं मार्केट में, जा रहे हैं पेटीकोट लेने। पेटीकोट वहाँ पे मिला नहीं तो यहाँ पे ढूंढेंगे अभी। बाला बने, दो दो बाला ना,
सेट कर लेंगे हम वहाँ पे। सेट कर लेंगे। हाँ ये सब सेट में नहीं आएगा था। तो मम्मी जी आइए पहले। मम्मी जी बोली चलो घर चलो, मैंने बोला नहीं आइसक्रीम खा लीजिए फिर चलते हैं। मेरा आ गया। कभी कभी करना चाहिए है कि नहीं मम्मी जी? तो बाहर सब रहेगा, बाहर निकलना ही नहीं चाहती। अभी इनको आने दीजिए तो रेस्टोरेंट चलते एक दिन। जब बैंक जाती थी तो डेली बाहर निकलती थी, अभी ऐसा हो गया कि निकलना ही नहीं चाहती है। ये कोई बात हुआ निकलते रहिए अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, बाकी सबके लिए पैक करा लिया। निया खा रही आइसक्रीम, तुम खा ली? सो आ गए हम लोग मार्केट से। आ गए मैं और मम्मी जी मार्केट से। बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हमारी हालत खराब हो गई। तो फिर लौटते टाइम मैंने मम्मी जी को बोला चलिए हम लोग कहीं बैठते हैं रेस्टोरेंट में। तो मम्मी जी बोल रही थी नहीं मैं तो सुबह खा लेती हूँ, अभी नहीं खाऊंगी ये वो। फिर आइसक्रीम बेच रहे थे, फिर तो मैंने बोला नहीं आइसक्रीम तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने आइसक्रीम लिया, फिर हम लोगों ने खाया। कभी कभी बाहर जाना चाहिए, खाना चाहिए। मम्मी जी का वो खत्म हो चुका है इंटरेस्ट, अभी फिर से वो जगाना पड़ेगा। बट आज बहुत अच्छा लगा, हम लोग गए और मुझे लगता है 2019 में मैं और मम्मी जी हम लोग साथ में यहाँ पर गए थे। जो ग्राउंड फ्लोर का फ्रिज है ना वो जब लेना था तब, उसके बाद से अभी ऐसे गए हैं इतने दिनों के बाद ऐसे शॉपिंग करने के लिए। मतलब ऐसे तो निकलते ही है गाँव वगैरह जाने के लिए, लेकिन शॉपिंग करने के लिए इस तरह से आज इतने दिनों के बाद गए। मम्मी जी ने मुझे क्या क्या शॉपिंग कराई मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ तो सामान सोच के गए थे कि वो लेना है, बट कुछ तो अनएक्सपेक्टेड था कि वो भी, मतलब वो तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उससे पहले मैंने नवनिया के लिए क्या क्या लिया वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे जन्माष्टमी का सामान मिल रहा था उस शॉप पे गए, तो ये मैंने निया के लिए लिया है और ये नव के लिए। ऐसा मैं हर साल लेती थी, तो कपड़े लेती थी तो कपड़े के साथ सेट आता था। इस बार भी दुबई में होगा और कुछ तो मैं लेके भी आई, बट ये मुझे दिखा सारा सेट बना हुआ मैंने ले लिया। तो ये दोनों और दिखाती हूँ आपको, ये कान्हा जी का श्रृंगार का सामान कान्हा जी के लिए, ये तो नहीं आगे कपड़े का है। ये एक रिंग ना मुझे ऐसे गिफ्ट में मिला इतना सामान लेने पे। और ये भगवान जी के लिए माला, ये कान्हा जी का मुकुट, ये भगवान जी के लिए नहीं बेटा। और हाँ ये दिखाती हूँ आपको, ये निया के कपड़े, ये और ये कल पास हुए थे तो ये है, और ये है दुपट्टा। दुपट्टा तो बिल्कुल ही ऐसा ही है, कपड़ा है इतना छोटा सा। तो देखिए इसका ना मैं, मुझे याद था कि इसका ये डोरी लेना है बट मैं भूल गई और उन्होंने दिया भी नहीं। अभी मंगवा लूँगी या देखती हूँ घर में। तो ये निया के ले लिया। नव के जो कपड़े हैं वो है मेरे पास, पिछले साल भी मैंने दुबई में लिया था, उसके पहले यहाँ भी लिया था। वो सारे कपड़े नव के रखे हुए हैं, सब बड़े साइज़ के थे तो वो है। ये तो हो गई जन्माष्टमी की शॉपिंग, और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मम्मी जी ने क्या ख़रीदा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं जब जन्माष्टमी का सामान ले रही थी तो मम्मी जी अपने ज्वेलर के दुकान में थी, मम्मी जी के ज्वेलर का शॉप वहीं पर है, तो वहाँ पे मम्मी जी कुछ ले रही थी। शायद मम्मी जी का रिंग टूट गया जिसपे पापा जी का नाम लिखा हुआ था, तो वो उन्होंने ठीक करने के लिए दिया। तो हाथ खाली नहीं हो इसलिए उन्होंने एक रिंग लिया वहाँ से और वो पहन रही थी, तो मैं चली गई वहाँ पर। तो मम्मी जी ने मुझे बोला ले लेने के लिए एक, मैंने बोला मैं नहीं पहनती हूँ, इंगेजमेंट वाली बस रिंग डाली हुई थी वो भी अभी टाइट हो रही तो निकाल दिया। तो मम्मी जी ने बोला कि नहीं नहीं एक ले लो, कहाँ हमेशा मौका मिलता है, एक ले लो एक ले लो, थोड़े दिन पहन लेना। मैंने नहीं सोचा था मैं लूँगी, बट मम्मी जी के इतना बोलने के बाद मैंने ये रिंग लिया है। पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं, इसमें ये मैं इसकी वीडियो ऐड कर दूंगी यहाँ पे। अब मम्मी जी ने मुझे क्या शॉपिंग कराई है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये है साड़ी, फाइनली ये साड़ी ही लिया।
क्योंकि लाल कलर की साड़ी, येलो कलर की साड़ी, सारी कलर की साड़ियाँ थी मेरे पास, ये एक थोड़ा अलग था तो ये ले लिया मैंने साड़ी। और एक ब्लू वाली साड़ी भी मुझे पसंद आ रही थी, बट मम्मी जी सोच रही थी कि मैं वो इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़े कम प्राइस की है, मतलब इससे कम प्राइस की है। तो मैंने भी यही सोचा था क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने बोला मैं वही ले लूँगी, बट मम्मी जी ने बोला नहीं ये ले लो। तो ये साड़ी अभी ब्लाउज सिलने के लिए दूंगी और फॉल्स पिको वगैरह के लिए। तो ये साड़ी है और इसका पेटीकोट, और इसका रेडीमेड पेटीकोट ले लिया, ये बिंदिया, ये सब मैंने अपने पसंद से लिया है, ये छोटी वाली बिंदिया लेनी थी मुझे। तो ये और ये लहठी, हमारे यहाँ लहठी पहना जाता है, ये लाख की होती है, तो ये लहठी है, जो लोग लहठी पहनते हैं उनको मालूम होगा काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। तो ये लहठी लिया है और ये एक मैंने ऐसे पैर में पहनने के लिए देखा तो ये रहने ले लिया। तो इतनी सारी शॉपिंग मुझे कराई आज मम्मी जी ने तीज के लिए, तो बहुत मन खुश हुआ। मतलब सच बताती हूँ, कोई अगर आपके लिए कुछ करता है ना, स्पेशल फील कराता है, आपके लिए कुछ खरीद के देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बात ये नहीं होती कि सामान कम का है या ज़्यादा का है, मतलब कोई आपके लिए कुछ भी खरीदता है बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो, इमोशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि निया को और राखी में क्या गिफ्ट मिला है नब की तरफ से। एक्चुअली राखी वाले दिन मैंने लिफाफे में पैसे दे दिए थे निया को शगुन के तौर पे, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ खरीदा नहीं था और कुछ आया भी नहीं था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो निया पैसे लेकर क्या करेगी, खरीदना तो मुझे ही है, जो भी सामान होगा वो मैं ही खरीद के दूंगी उसे, और उसको पैसे की अभी तो कुछ ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए मैंने ज़रूरत का ही सामान खरीदा है नव निया के लिए। तो एक सामान तो अभी आया नहीं है, बाकी जो आ गया मैं आपको दिखा देती हूँ। और निया की तरफ से भी नव के लिए राखी का गिफ्ट है, ये है नव निया का राखी गिफ्ट, ये मैंने सिपर मंगाया है निया के लिए स्टील का, अभी नए क्लास में जाएगी तो ज़रूरत होगी। ये सब ज़रूरत का सामान है जो राखी गिफ्ट में अच्छा है देने के लिए, बाकी और चीज़ें क्या करेगी निया लेके, पैसे भी लेके कुछ नहीं कर सकती है। गोल्ड का भी मैंने उसको ईयरिंग खरीदी थी इसीलिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए ये लिया है। तो ये निया का हो गया और ये है नव का, ये नव के लिए, जैसा निया का पिंक है वैसा ब्लू नव के लिए, और ये सिलिकॉन का अच्छा लग रहा है। तो ये नव निया के लिए वाटर बॉटल, और ये लंच बॉक्स मंगाया है, तो ये मैं आपको पहले नव का दिखा देती हूँ, ये स्टील का लंच बॉक्स, जो लंच बॉक्स मैंने दुबई में लिया था वो काफी साइज में बड़ी थी, तो ये सही है, अंदर भी एक बॉक्स है, और ये एक एक्स्ट्रा दिया है ताकि ये अगर गुम हो जाए इसमें से कोई एक तो ये लगा सकते हैं। हाँ तो ये नव के लिए और ये निया के लिए, या सेम है। तो ये तुम्हारा राखी गिफ्ट है, ठीक है। अब एक और है, ये आया है आरब की तरफ से निया के लिए राखी के, तो इसको अभी खोलते हैं। ये है ड्रेस, दो ड्रेसेस में, एक ये निया के लिए, ये ड्रेस आरब की तरफ से। निया आरब को थैंक यू बोलो, और एक और ये एक दूसरी ड्रेस, और ये एक दूसरी ड्रेस है निया के लिए आरब की तरफ से जंप सूट। तो यही सारा सामान है जो आज शॉपिंग हुई है और राखी गिफ्ट्स हैं। मैं जा रही हूँ अभी वीडियो एडिट करने, मैंने दो दिन से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया है, तो वीडियो एडिट करूंगी। अभी नवनिया के टीचर भी आएंगे, फिर नवनिया फ्रेश होंगे, उसके बाद शाम में कुछ सामान मंगाना है कल जन्माष्टमी की पूजा के लिए,
जिससे प्रसाद बनाऊंगी। तो वही सर, हाँ एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई, पूजा के लिए एक कढ़ाई भी लिया है, तो ये भी मम्मी जी ने ही खरीद दिया है। तो बस यही है। तो चले गाइस, मिलती हूँ आपसे शाम में। वो देखिए, नवनिया फिर से आइसक्रीम खा रहे हैं, बाहर में आइसक्रीम बेचने वाला आया हुआ है, तो दिख गया इन लोगों को। मैंने बोला सबके लिए ले लीजिए, सबके लिए आया आइसक्रीम ना। यहाँ पे एकदम ऐश हो रही है, देखिए वो आइसक्रीम खा लिया, अभी ये दूसरा मंगवाया फिर से बोल के। तो ये मटका कुल्फी आया शायद, वो मटके के शेप का कुछ दिख रहा है उसमें। ये वाली एक मेरे लिए भी आई है। ये यहाँ पे खाने पीने का फुल ऐश है सबका। देखिए वो जो लाल पैकेट में है ना, वो उसमें चाट है, पापड़ी चाट सबके लिए आया है। और यहाँ मेरा रखा हुआ है। चाट किस चीज़ का? बिना लहसुन प्याज का है ना, बिना लहसुन प्याज का चाट। आज लहसुन प्याज नहीं खाएंगी मम्मी जी। तुम खाए? अभी जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान मंगाना है, जो मैं प्रसाद बनाऊंगी उसके लिए। वैसे ही बज रहे रात के 8:30, और ये सब पूजा का बर्तन सब साफ हो चुका है, तो कल ये निकलेगा पूजा के टाइम, और वो पीछे सामान प्रसाद बनाने के लिए, मखाने, काजू, बादाम, ये सब है, नारियल का बुरादा। तो कल है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही प्रसाद वगैरह बनेगा और कल रात में कृष्ण जी का जन्म होगा। वैसे तो मैंने पढ़ा है कि आज भी जन्माष्टमी है, आज भी और कल भी है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आज भी मनाई होगी, बट हम लोग यहाँ पे कल मना रहे हैं 19 तारीख को। और कल अनिमेश भी आ जाएंगे, लेकिन वो रात में आएंगे। मतलब अनिमेश ने कुछ क्लिप्स भेजा था, तो वो मैं अभी ऐड कर दूंगी। वो पुणे का क्लिप्स है, अभी वो पुणे में, तो वो सब मैं ऐड कर दूंगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। माफ़ कीजिएगा, एक हाथ में कैमरा है इसीलिए अभी मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको ग्रीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतज़ार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, आपको दिख रहा होगा प्लेन्स। यस, मैं दुबई के एयरपोर्ट पे हूँ और अभी मैं पुणे जा रहा हूँ, मेरी कल मीटिंग है, तो पुणे में मीटिंग्स अटेंड करने जा रहा हूँ। 2-3 मीटिंग्स है एक्चुअली, तो 2-3 दिन मैं पुणे में ही हूँ और उसके बाद मैं बिहार फ्लाई करूँगा, फिर श्वेता और बच्चों को वापस दुबई लेकर आऊँगा। लेकिन अभी बिहार में कितने दिन हूँ ये बताना मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि पुणे में जो मीटिंग्स है, काम है, वो सभी हो जाए, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि मैं पुणे से बिहार जाने वाला हूँ और वहाँ पर कुछ दिन रहकर बच्चों को और श्वेता को वापस लेकर दुबई आने वाला हूँ। तो जर्नी जो है बहुत लंबी है, क्योंकि रात भर की जर्नी है, तो सोना तो होगा नहीं, और फिर कल काम भी है, मीटिंग्स भी हैं कुछ, तो फिर यही लाइफ है। गाड़ी तो चलते रहनी चाहिए क्योंकि यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी समय समय पर परीक्षा लेती है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आप सभी कहेंगे कि उपदेश दे रहा है अनिमेश, क्या करूँ, बात करने में कोई है ही नहीं आप लोगों के अलावा, तो कुछ तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर बाद में मिलता हूँ। ये देखिए, अभी मैं स्पाइस जेट की फ़्लाइट में बैठ गया हूँ, देख सकते हैं स्पाइस जेट की फ़्लाइट दुबई से पुणे जा रही है, विंडो सीट है, काफ़ी अच्छा व्यू है। लेकिन अरेंजमेंट जो है वो देखिए, ये जो है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, और इस पर अगर मैं हाथ रखूँगा तो ये गिर भी सकती है, और गिरने के बाद अगर मानिए कि मैं अगर सो गया, अगर सोने से ये गिर गया तो ये कट भी सकती है, तो बहुत ही दुख हुआ ये जानकर कि जो फ्लाइट है उसकी मेंटेनेंस या उनका अरेंजमेंट जो है ये ठीक से कर नहीं रहे हैं ये लोग। हर कोई आज के दिन में पैसा कमाने के चक्कर में है, सेफ्टी को ताक में रख के, ये बहुत ही गलत है, इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए DGCA को या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल है इनको।
the next day. Good afternoon. अभी 12 बज रहे हैं पुणे में और ये देखिए मैंने अभी लिया है ये केक्स लिया है और ये बिस्किट्स लिए हैं और ये क्रीम रोल्स लिया है और ये भी बिस्किट का पैकेट लिया है और लॉलीपॉप्स लिए हैं। ये सब भैया जो स्कूल खोले हुए हैं वहाँ पे जो स्पेशल किड्स पढ़ते हैं उनके लिए लिया है क्योंकि आज मैं उनके स्कूल जा रहा हूँ। हमने सोचा कि कुछ तो लेना चाहिए, बच्चे हैं वहाँ पे तो बच्चों के लिए लिया है और इसके साथ साथ जूस भी लिया है। शॉप्स है देखें, तो अभी जो है मैं स्कूल में आया हुआ हूँ। ये स्कूल हमारे छोटे भैया ने खोला है पुणे में साहू नगर में। ये देखिए द ब्लेस्ड वंस और ये आरव, व्हाट आर यू डूइंग आरव? सो ये देखिए स्कूल, हम लोग पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर देख लेते हैं काम। ये देखिए बच्चों की सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है वो। और ये क्लासरूम है, ये वॉशरूम है, ये भी है। स्कूल में आज टीचर का बर्थडे है। हम दोनों का डे, एक कैंडल लगाओ सिर्फ। अभिनंदन आभार करते रहे हमें प्यार, हमेशा रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो आज मैं भैया के स्कूल में आया हूँ। भैया ने जो स्पेशल किड्स के लिए स्कूल बनाया है, स्कूल खोला है, उसमें आया हूँ और बच्चों के साथ थोड़ा खेल भी रहा हूँ, देख रहा हूँ स्कूल, थोड़ी आइडियाज़ तो मिली कि कैसे स्कूल क्या है, क्या चीज़ें होती है। तो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट और पेशेंस का काम है ये। और बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है स्कूल, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं।